आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं पूजा ढिलो संस्कृत पेडागोलॉजी ऑफ संस्कृत का सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप बताने जा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट के अंदर आप पहला क्वेश्चन जो करेंगे वो करेंगे संस्कृत भाषा के साहित्यिक महत्व का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें वो संस्कृत शिक्षक के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, शिक्षक को उसका ज्ञान क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे। मतलब संस्कृत शिक्षक के उद्देश्य और उसके आपको आवश्यकता क्यों पड़ती है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि विश्लेषण बताएं, उसका उद्देश्य बताएं, महत्व बताएं, उसके सिद्धांत बताएं, तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका श्रवण कौशल से आप क्या समझते हैं या फिर पठन अभ्यास कौशल से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में से एक आपसे पूछा जाएगा। इनके उद्देश्य आपसे पूछे जा सकते हैं तो उनके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये आपके फर्स्ट यूनिट के टॉपिक और क्वेश्चंस बनते हैं संस्कृत के अंदर। सेकंड यूनिट जो है उसके अंदर संस्कृत शिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो पद्धतियाँ आपको आनी चाहिए, कोई एक भी पूछ सकता है और किसी भी मतलब किसी का नाम भी दे सकता है आपको पद्धति का, या फिर आपसे बोल सकता है कि कोई भी एक पद्धति आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है संस्कृत अध्यापक के गुणों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ योजना के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तीन ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इसके अंदर, तो आप कर लीजिएगा अच्छे से। थर्ड यूनिट के अंदर संस्कृत गद्य रचना का महत्व दर्शाते हुए विभिन्न स्तरों पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित कीजिए, या फिर संस्कृत पद शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, संस्कृत पद शिक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 101% आएगा, तो दोनों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ। नेक्स्ट है रचना शिक्षण से क्या अभिप्राय है, रचना शिक्षण के महत्व एवं उद्देश्य को दर्शाइए। नेक्स्ट है अनुवाद शिक्षण से क्या अभिप्राय है, अनुवाद शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। मतलब शिक्षण की जो विधियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उनमें से कोई भी एक विधि आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट आपका यूनिट फोर के अंदर आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो है भाषा शिक्षण के संबंध में भाषाई कौशल के महत्व की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं, मतलब पठन लेखन और बोलने का जो है मतलब सुनने का, कि आप सुनते कितने अच्छे से हैं, ये पूछे जाते हैं, तो आपको यही करना है। संस्कृत लेखन शिक्षण की प्रक्रिया दर्शाइए। मूल्यांकन के स्वरूप तथा उसकी विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। शिक्षण में संशोधन कार्य का क्या महत्व है, संशोधन के सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। मतलब टीचर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो टीचर मूल्यांकन यानी नंबर कैसे देता है और कैसे संशोधन करता है, मतलब कैसे उस चीज़ को अच्छे से देखता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, नहीं है, कितना वीक है, किस चीज़ में उसको कमी आ रही है, तो ये सब भी पूछा जाता है। तो शिक्षण के अंदर ये हमें पता होना चाहिए, मतलब एक तरह से बोल देंगे टीचिंग टास्क जो हैं वो सब पता होने चाहिए। तो यही टॉपिक्स थे संस्कृत के अंदर, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसी के अंदर से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपके 5 क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे इसमें। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।